नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। वायदों की चाशनी में लपेटने की कला में माहिर नेताओं के लिए मंच से भाषण देना आसान है, लेकिन भीड़ में खड़ी जनता के लिए सुकून संभव नहीं। विशेषज्ञों ने बार बार कोरोना संक्रमण से बचाव में मास्क का प्रयोग बेहतर बताया है, लेकिन सभाओं के बीच इस बात से बेपरवाह जनता को कौन समझाए। चुनावी सभाओं के दौरान पूरी तरह बरती गई शिथिलता का ही परिणाम है कि अब कई नेता भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। खबरों के मुताबिक लगातार सभा के चलते भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूढ़ी भी संक्रमित हो गए हैं। इधर चुनाव आयोग ने भी कोरोना गाइडलाइंस अनुपालन में सख्ती दिखाई है। उसने अपने संदेश भरे आदेश में जनता तथा नेता दोनों को काफी समझाया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यदि सरकार बनी तो फिर से बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी और इस कानून के तहत जेल में बंद लोगों को न्याय मिलेगा। स्नातक के 4 तथा शिक्षक कोटे के 4 सीटों के निर्वाचन को लेकर की गई सारी तैयारियों के साथ आज वोटिंग हो रही है। विधान परिषद के इस चुनाव के लिए 973 बूथ बनाए गए हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का यह दावा कहां तक पूरा हो पाता है कि उनके समर्थन के बिना बिहार में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। अपने पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध के बाद अब वे चुनावी सभा में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बिहार में तय चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मोदी एनडीए प्रत्याशी की जीत के लिए चुनावी सभा करेंगे। पटना में कोरोना के 308 रोगी पाए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। अस्पतालों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। अब तक सभी स्तरों पर निगरानी बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को बोनस दिया है। 30 लाख से अधिक केंद्रीय सेवा कर्मियों को इससे लाभ मिलेगा। गैर और अराजपत्रित कर्मियों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। चुनावी मंच से अपने पिता और जदयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के पक्ष में प्रचार को उतरी ऐश्वर्या राय को भरोसा है कि सारण की जनता भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएगी। सीएम नीतीश कुमार के समक्ष ऐश्वर्या ने पूरे सम्मान के साथ चुनावी सभा को संबोधित किया और वाहवाही लूटी। शहर में दुर्गा पूजा को लेकर कोई खास चहल पहल देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना इफेक्ट के चलते लोग घरों में ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में भी कोई खास भीड़ नहीं देखी जा रही है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।